हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। तो आज की वीडियो में कुछ हम ऐसा देखने वाले हैं, हमारे पास कुछ ओरिजिनल फुटेज है यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे आपको वायर और इसका साइड यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो मैं एक बार प्ले कर देता हूँ, वहाँ से देख पाएंगे। तो ये हमारे पास शॉर्ट है, इसमें हमें टास्क क्या है, तो इस वायर और इसकी साइडों को हमें रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे वो बात देखने वाले हैं। इस शॉर्ट में बात करें तो काफ़ी सारा मोशन ब्लर आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये मोशन ब्लर कैसे ऐड करेंगे वो भी देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये इसको यूज करने के लिए हम प्रोजेक्शन का यूज करेंगे, कैमरा प्रोजेक्शन का। और कुछ जो स्क्रिप्ट है मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, तो कुछ ऐसा कुछ स्क्रिप्ट बनने वाला है आपका। मैं यहाँ से एक बार आपको व्यू करके दिखा देता हूँ ऐसा कुछ। तो हम कुछ ऐसा आउटपुट एक लेके आएंगे पूरी तरीके से, ये रिमूव करने वाले हैं वायर और इसकी साइडों को। तो ये कैसे करेंगे और कैसे कैमरा ट्रैक को लेके आएंगे और कैसे यहाँ प्लेस करेंगे वो चीज़ों को देख लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक यहाँ से नया न्यू ओपन करता हूँ, न्यू कॉम करता हूँ और स्टेप बाई स्टेप आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेंगे। ओके, तो नया न्यू हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अभी हमें सिंपली क्या करना है, हमें इसके लिए एक कैमरा ट्रैक निकालना है जो कि 3 ट्रैक करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि ये हमें इसकी साइडो और ये जो कैरेक्टर है और ये वायर है, ये हमारे कैमरा ट्रैक को डिस्टर्ब करने वाले हैं। इसके लिए हमें एक रोटो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसके अराउंड। तो मैंने एक गार्बेज मास्क का रोटो करके रखा है, वो मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ रोटो हमने किया था ये, तो मैं ये रोटो को यहाँ पे ले लेता हूँ। और ये रोटो कैसा है एक बार आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ रोटो मैंने एक गार्बेज रोटो ऐसा मास्क कर लिया है यहाँ से। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें एक नोड लेना है, कल कैमरा ट्रैकर नोड। यहाँ से मैं ले लेता हूँ कैमरा ट्रैकर और यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट करने के बाद मैं एक बार थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको मिलता है ये मास्क का ऑप्शन मिल रहा है, मास्क को यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। ओके, अभी वन प्रेस करता हूँ इसको, ट्यूब टू प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हमें आ जाना है उसके बाद। हमें सेटिंग्स में आ जाना है उसके बाद। अभी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू फीचर्स का, तो यहाँ प्रीव्यू फीचर्स कर देना है। अभी हमने इसके अराउंड ये रोटो ऐड किया है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो फीचर्स हैं इसके अराउंड भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो देख लेंगे। तो हमें यहाँ पे आना है मास्क की जगह, हमें यहाँ पे करना है मास्क अल्फा। जैसे आप मास्क अल्फा करेंगे तो इसके अराउंड ये चीज़ें नहीं होंगी। तो अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ और सेटिंग्स में जाता हूँ। ये जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं इनका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मैं यहाँ पर 300 कुछ लेके आ जाता हूँ ऐसा कुछ। तो अभी ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं करेंगे। अब सिंपली मैं यहाँ पे कैमरा ट्रैकर में आता हूँ और यहाँ पे ट्रैक में कर देता हूँ क्लिक। ओके, तो यहाँ पे कैमरा ट्रैकर मैंने क्लिक कर दिया है, ऐसा कुछ हमें आ गया आउटपुट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्व में क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब मैंने सॉल्व में क्लिक किया तो दो तरीके से पॉइंट नज़र आते हैं, एक ये ऑरेंज पॉइंट्स हैं जो और ये रेड पॉइंट्स है। तो हमें इनका क्या करना है, अभी ऑटो ट्रैक में आ जाइए। जो इसमें दो चीज़ें हैं, अनसॉल्व पॉइंट कौन से, जो ऑरेंज पॉइंट है ये अनसॉल्व पॉइंट है, और जो रेड कलर के पॉइंट्स हैं वो रिजेक्टेड पॉइंट्स है। तो मैं पहले करता हूँ डिलेक्ट रिजेक्टेड पॉइंट्स, तो ये वाले यहाँ से निकल गए। इसके बाद डिलीट अनसॉल्व पॉइंट। ओके, अभी इसकी एरर को हम चेक कर लेंगे। एरर देखते हैं तो बहुत कम एरर हमें मिल रही है, 0.66 मिल रही है। तो इसमें मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करूँगा क्योंकि ये अराउंड मुझे सही लग रहा है। तो ऐसा कुछ हमें होके आ गया। तो अभी वापस से मैं आ जाता हूँ कैमरा ट्रैकर में और यहाँ से हम सीन को क्रिएट कर लेंगे। कैमरा की जगह यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमको करना है सीन और यहाँ करना है क्रिएट। ओके, जैसे करेंगे तो ऐसा कुछ हमें सेटअप एक मिल जाता है। तो ऑल्ट ई करूँगा, इंटरनल लिंक यहाँ से तोड़ देंगे आप। ओके, तो ऐसा कुछ मिल गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं इसको वन व्यू करता हूँ, यहाँ से व्यू कर लेता हूँ। और अभी क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सेकेंड स्टेप क्या है, हमें एक प्लेट क्रिएट करनी है इसके अराउंड। मैं तो एक बार प्ले करता हूँ, जिस फ्रेम में हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पे हमें एक प्लेट क्रिएट करनी है। तो हमें चेक करना है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कौन से फ्रेम प्लेट में मिल रही, और मेक श्योर कि जिस फ्रेम में वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल रही हो वो शार्प हो, मतलब कि हमें ब्लर एरिया में प्लेट नहीं बनाना। तो हमें यहाँ फर्स्ट फ्रेम थोड़ा सा शार्प मिल रहा, और आगे की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे भी शार्पन अच्छा मिल रहा। अराउंड मैं ट्राई करूँगा कि मैं 21 नंबर की फ्रेम का प्लेट बनाऊँगा, क्योंकि आप चेक करेंगे अगर तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और सिंगल लेयर प्लेट कैसे क्रिएट करनी है, ऑलरेडी मैंने पहले से वीडियो बना रखा है सिंगल लेयर प्लेट कैसे क्रिएट करें, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा। तो अभी सिंपली मैं क्या करता हूँ, जो मैंने पहले से करके रखा है यहाँ से जो सिंगल प्लेट है वो मैं यहाँ से ऐसा कुछ ले लेता हूँ। तो ये प्लेट मैंने इस फ्रेम की क्रिएट करी हुई है, अगर एक बार आपको दिखा दूँ तो ऐसा कुछ प्लेट एक मैंने क्रिएट करी हुई है। तो हमने ऐसा कुछ प्लेट क्रिएट किया।
तो हमारे पास हो गई है सिंगल प्लेट, एक स्टील फ्रेम की प्लेट हो गई है। तो अभी आगे का स्टेप धीरे से फॉलो कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे आना है, ऐसा एक मर्ज लेना है, और हमें कितनी प्लेट की रिक्वायरमेंट है उसका हमें मास्क क्रिएट कर लेना है। तो ऐसा कुछ हमारी प्लेट है, और तो मैं एक मास्क क्रिएट करता हूँ, कुछ ऐसे एक मास्क क्रिएट कर लेता हूँ ऐसे। ओके, इसके अराउंड हमने ऐसा मास्क क्रिएट किया। थोड़ा सा मैं चाहूँ तो इसको और ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो ये हमारी प्लेट है जिसको हम ट्रैक करने वाले हैं यहाँ पे। तो वन प्रेस करता हूँ। तो अभी क्या करना है, हम कैमरा प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अपना एक सेटअप तैयार कर लेते हैं। सेटअप के लिए क्या चाहिए, हमें एक चाहिए प्रोजेक्ट 3D नोड। ओके, यहाँ पे आप कनेक्ट कर देना है। हमें एक कैमरा चाहिए रहेगा, तो कंट्रोल सी करते हैं, सेम कैमरे को यहाँ पे ले लेते हैं। अभी मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें कैमरे को एनिमेशन करना है ऑफ, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ ऑफ। और उसके बाद हमें चाहिए एक कार्ड चाहिए, हाँ मेन इंपॉर्टेंट कार्ड, कार्ड चाहिए। कार्ड कैसे लेके आएंगे, आपको यहाँ पे जाना है कैमरा ट्रैक में, करना है ऐसा क्लिक। अभी मुझे कार्ड लेने के लिए थोड़ा सा दो पॉइंट्स की ज़रूरत है। ओके, तो टू पॉइंट्स कहाँ से ले सकते हैं, तो मैं एक ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, सेम ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, और आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट कर देना है क्रिएट कार्ड। ओके, तो ये हमें कार्ड मिल गया, कार्ड को यहाँ से कनेक्ट कर देना है ऐसा कुछ। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें कार्ड को करना है सीएनसी से कनेक्ट। ओके, तो मैं ऐसे कुछ यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये तो हमें 3D सीन मिलेगा, तो 3D को 2D में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए स्कैन लाइन रेंडर यहाँ से, और कैमरे को कैमरे से हमें कर देना है कनेक्ट ऐसा कुछ। एक मर्ज नोड लेता हूँ मैं ऐसा, इसको ए में करता हूँ, यहाँ ओरिजिनल को डाल देता हूँ बी में, तो कैसा हो जाएगा अभी देख लेंगे आउटपुट हमें क्या मिल रहा है ये सब करने से। ओके, वन प्रेस करते हैं, यहाँ से कर देते हैं टू। तो अभी देख पाएंगे कि ये जो हमारी प्लेट है यहाँ पे जा रही, क्यों यहाँ पे जा रही, कुछ गलतियाँ हमने की हैं, उसे हमें सही करना है। तो हमने आई थिंक इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग नहीं करी हुई है, तो हमें करना है प्रोजेक्ट सेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट सेटिंग क्या है, 1024x540। एक्चुअली हमें शॉट स्टार्ट करने से पहले ही ये करना है, अगर नहीं किया बीच में तो आपको अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप बाद में जाके कर सकते हैं। तो 1024x540 अभी एक बार क्रॉस चेक करेंगे, यहाँ से हमारी प्रॉब्लम ये पूरी तरीके से सॉल्व हो जानी चाहिए। ओके, ये देखें जैसे हमने यहाँ पे किया, ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है। एक्चुअली हमारी प्लेट थी 21 नंबर फ्रेम की। ओके, तो ऐसा कुछ हमने कर लिया है। तो थोड़ी सी चीज़ें और हैं, मैं चाहे तो इस रोटो सेप को थोड़ा इंक्रीज भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे देख पाएंगे ये पूरी तरीके से वायर रिमूव नहीं हो रही, थोड़े से हम क्या करेंगे, कार्ड के साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, तो कार्ड के साइज़ को हमने कर दिया इंक्रीज़, सॉरी। तो एक बार प्ले करके देख लेंगे जो हमारा ये प्लेस किया है हमने प्लेट को कैसा जा रहा है। ओके, प्लेट तो ऑलरेडी फिक्स हो गई है, कोई किसी तरीके की वार्पिंग और ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मैं एक काम करूँगा, वन करता हूँ इसे, व्यू कर देता हूँ टू। तो अभी छोटी सी चीज़ें हमें यहाँ पे फिक्स करनी पड़ेंगी और उनमें। ओके, ये होने के बाद एक चीज़ देख पाएंगे, मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे मैं इस फ्रेम में जाता हूँ, अराउंड इस फ्रेम में, तो बहुत सारा मोशन ब्लर हमें यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन अगर हम अपनी प्लेट में देखें तो ये काफ़ी शार्प है। तो हमें इस पे मोशन ब्लर ऐड करना है, वो मोशन ब्लर हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो दिखा देंगे। ये थोड़ी सी नई चीज़ है जो मैं आज दिखाऊंगा मोशन ब्लर पॉइंट। तो हमारे पास एक कैमरा है, तो आज मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेने वाला हूँ मोशन ब्लर 3D। 3D मोशन ब्लर लेंगे तो यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन मिलता है, कैमरे को यहाँ से कनेक्ट कर दिए, प्लेट को हमें कर देना है यहाँ से कनेक्ट। ओके, मैं इसको कर देता हूँ व्यू। व्यू करने पे ऐसा कुछ प्लेट ना जाए। उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ से वेक्टर ब्लर। तो एक्चुअली इस वेक्टर ब्लर का यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बेस्ट है कि हमारे पास जो पुराना वेक्टर ब्लर था तो उसको यूज करने के लिए कुछ हाइड रहे सॉरी कुछ रहता है। तो हम यहाँ एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको टाइप करना है वेक्टर ब्लर। तो ये जो नोड आता है ये बेस्ट है यूज करने के लिए, तो मैं हमेशा इसी को यूज करता हूँ, अच्छा आउटपुट मुझे मिल जाता है। वन व्यू करता हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे मोशन में क्लिक। देख जैसे मोशन में क्लिक किया, देखें ये पूरी तरीके से हमें मोशन ब्लर यहाँ से मिल गया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको धीरे से यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ और इसको अभी व्यू करेंगे। तो यहाँ से पूरी तरीके से हमें मोशन ब्लर मिल गया है। ओके, तो ये प्लेट भी हमारी मैच हो गई है, मोशन ब्लर में मिल गया है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, हमने एक्चुअली
यहाँ पे प्लेट लगाई हुई है, तो ये जो लेडी का है ना, हमें रोटो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रोटो को हमें कट करना है और ऊपर से डाल देना है, तो हम साइडों का रोटो करेंगे और इस लेडी का रोटो करेंगे, ऊपर से डाल देने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए रोटो ऑलरेडी करके रखा, अगर आपने नहीं किया तो आप कर सकते हैं ऐसा कुछ करके। जस्ट सो मेरे पास ये रोटोस हैं कुछ, मैं इन रोटोस को कर लेता हूँ कॉपी। ओके, इन रोटोस को कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। हमें एक यहाँ से क्या करना है, मर्ज लिए हमेशा मैं इन का यूज करता, तो यहाँ पे कर देता हूँ इन। ए को आपको ओरिजिनल से कनेक्ट कर देना है ऐसा कुछ, और बी को अपने रोटो शेप से कनेक्ट कर देना है ऐसा। जो रोटोस हैं, मैं दिखा देता हूँ कैसे रोटोस हैं, कुछ ऐसे रोटो हैं। ये साइडों के लिए रोटो रफ रोटो बनाया है, और ये लेडी के लिए कुछ रोटोस बनाया है। तो अभी एक मर्ज नोड लेता हूँ ऐसा कुछ, और यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। इसे वन करता हूँ, इसका व्यू करके मैं कर देता हूँ टू। देखिए, ये करने के बाद हमें थोड़ी सी यहाँ से मिल रही थी, ये रिमूव कर दी है, यहाँ की रिमूव कर दी है। अभी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग फ्रेम में आपके लिए जाता हूँ। स्टार्टिंग में जाता हूँ, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कुछ वायर्स नज़र आ रही है हमें। देखें, ये वायर नज़र आ रही, तो एक्चुअली क्या है, हमें फ्रेम बाय फ्रेम वर्क करना है फोटोशॉप में जाके, और उसको पेंट स्ट्रोक्स को यहाँ पे लेके आना है। तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले से बता रखा कि आप कैसे फ्रेम बाय फ्रेम वर्क करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं, तो ऑलरेडी मैंने करके रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेंट स्ट्रोक्स लेके आ जाता हूँ। तो हमारे पास ये कुछ पेंट स्ट्रोक्स हैं, और पेंट स्ट्रोक्स को कहाँ पे कनेक्ट करना है, जहाँ से हमने रिवील किया पर्टिकुलर, वहाँ एक मर्ज लेना है और इसको ऐसे कुछ कनेक्ट कर देना है। अभी यहाँ से सेट नहीं हो रही, तो एक्चुअली इस एक्सप्रेशन जाके मैं कर देता हूँ वन। तो अभी आ जाता हूँ मैं फर्स्ट फ्रेम पे। जहाँ पे वायर्स नज़र आ रही, देखिए वो यहाँ से ये वायर नज़र आ रही है, मैंने पूरी तरीके से क्लीन कर दी है। सेम यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सॉरी, अराउंड इन फ्रेम्स में, तो यहाँ की वायर को हमने रिमूव किया। तो ये फ्रेम बाय फ्रेम वर्क किया है। अभी छोटी सी चीज़ और देख लेंगे, ये पूरा शॉट ऑलमोस्ट मैंने बहुत ही कम टाइम में कवर किया है। कैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो क्या है, कि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रही, तो मैं इसके लिए क्रॉप का यूज करूँगा। आउटपुट यहाँ से आ रहा, तो यहाँ एक हम क्रॉप नोट का यूज करेंगे। यहाँ से क्रॉप ले लेता हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा डाउन की तरफ आप ऐसे कुछ कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा कुछ आउटपुट ला सकते हैं आप कैमरा प्रोजेक्शन का यूज करते हुए, ऐसा कुछ वायर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, आपके पास शॉट रहेगा कोई भी, तो ऐसा कुछ आप वायर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो एक छोटा सा बेसिक आइडिया था आपको कि वायर रिमूवल शॉट कैसे करें, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ख्याल रखें अपना।